आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्रम बेताल की कहानी को। इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप कहानी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। बहुत पुरानी बात है, धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज करते थे। उसके 4 रानियां थीं, उनके 6 लड़के थे जो सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तृहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1,00,000 रुपए देकर विदा कर दिया। भर्तृहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था, उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी, उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या के पास जाया करता था, वह उस फल को उस वैश्या को दे आया। वैश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए, वह उसे ले जाकर राजा भर्तृहरि के पास गई और उसे दे दिया। भर्तृहरि ने उसे बहुत सा धन दिया लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भर्तृहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ, उसने सोचा यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवा कर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तृहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी में रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भर्तृहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने के बाद विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते। देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई, राजा ने जरा से देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ का राज करते हो, तेली पाताल का राज करता था। कुम्हार ने योग साधकर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना सीरस के पेड़ से लटका दिया है।
अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है, इस शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था, कहीं यह वही तो नहीं है। यह सोच उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंच अपने फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपटकर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधी आ गई। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तोड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया। बोला, योगी राज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरे के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहाँ जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांध कर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहाँ पहुँचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सीरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ आकर पैरों में लिपटते थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सीरस के पेड़ के पास पहुँच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे का बगल में दबा नीचे आया। बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूँगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कला और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। और इसके बाद
बेताल ने विक्रम को कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कहानी की सीरीज आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।